भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करने जा रही है। मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर ने आंदोलन में उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी देते हुए कहा कि किसान को अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। समर्थन मूल्य के स्थान पर किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, इसके साथ ही फसल बीमा में खसरा को इकाई बनाने सहित अन्य मांगे सरकार से की जाएंगी। भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर गर्जना रैली में कई मांगों को सरकार के सामने रखेगा। मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर ने आंदोलन में उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी देते हुए कहा कि किसान को अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जबकि खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है। किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार कदम उठाए। इसमें मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे। ठाकुर के अनुसार फसल बीमा के लिए अभी किसान को काफी परेशान होना पड़ता है। यदि पूरे पटवारी हलके में फसल प्रभावित नहीं होती है तो लाभ लेने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए। ट्रैक्टर, थ्रेसर, सीड्रिल सहित अन्य कृषि उपकरणों पर भी GST लगाया जाता है, इसे समाप्त किया जाए। नंबर एक तो ऐसा है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। अभी तक क्या है, सरकार जो है समर्थन मूल्य के नाम पर उससे किसान जो है संतुष्ट नहीं है। उसे उसकी लागत और लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य होना चाहिए। ये हम लगभग 40 साल से कहते चले आए हैं सरकारों से भी। दूसरा है कृषि के ऊपर जो है कृषि यंत्रों के ऊपर GST जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि GST जब लगता है तो ट्रैक्टर भी लेता है तो लाखों रुपए जो है उसमें GST लग जाती है, उससे भी किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वैसे ही खेती में आमदनी होती नहीं है और ऊपर से GST पे अलग मूल्य बढ़े हुए मिलते हैं। तीसरी हमारी मांग ऐसी है कि आयात निर्यात जो नीति गवर्नमेंट की है उससे किसान जो है संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस समय किसान के यहाँ गल्ला पैदा होता है, मान लो बैसाख जेठ के समय में गेहूं पैदा होता है, उसी समय जो है केंद्र सरकार विदेशों से जो है गेहूं आयात कर लेती है। ऐसे ही जब भी देश से निकासी का कोई समय आता है, मूल्य वृद्धि होती है या दुनिया में मांग बढ़ती है, तो किसान जब निर्यात की स्थिति पर रहता है उस समय जो है भारत सरकार जो है उस पर ड्यूटी बढ़ा के या प्रतिबंध लगा के उस निर्यात को रोक लेती है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए हो, जंगली पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की व्यवस्था हो, देसी गाय रखने वाले किसानों को प्रति गाय प्रति माह 900 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाए, सरकार किसानों को जो अनुदान देती है उसका भुगतान सीधे खाते में किया जाए, देश में कृषि उत्पाद को देखते हुए आयात निर्यात नीति बनाई जाए। प्रदेश सरकार द्वारा संगठन की मांगों की पूर्ति की घोषणा पर कहा कि हम 1-2 माह इंतजार करेंगे, यदि ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो फिर आंदोलन किया जाएगा। आज गाय जो है हमारी मारी मारी फिर रही है, लोगों के पास गाय को संभालने के लिए केंद्र सरकार से हमारी ऐसी मांग है कि किसानों को जो है 900 रुपया प्रति गाय प्रति माह के हिसाब से जो है उसको भरण पोषण के लिए दिया जाए, ताकि ये जो है इधर उधर मारी मारी ना फिरे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।